किशनगढ़वास कस्बे के खैरतल रोड पर स्थित महावर धर्मशाला में नगर पालिका किशनगढ़वास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला विधायक दीपचंद खैरिया व चुनाव प्रभारी प्रकाश गंगावत की मौजूदगी में संपन्न हुई। विधायक के मीडिया प्रभारी सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि होने वाले नगर पालिका चुनाव में योग्य उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी सिंबल प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रभारी प्रकाश गंगावत ने कहा कि हर चुनाव की तरह नगरपालिका चुनाव में भी एक सीट पर अनेक दावेदार खड़े हैं। ऐसे में पार्टी जिसको टिकट दे अन्य लोग उसका साथ दें। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। किशनगढ़वास नगरपालिका क्षेत्र के 25 वार्डों के लगभग 80 आवेदन आए हैं। इतने ही आवेदन पूर्व में किशनगढ़वास स्थित विधायक कार्यालय में जमा हो चुके हैं। कार्यशाला को पूर्व बीईओ जसवंत आर्य, जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धीरू भाई, पत्रकार दौलत भारती, शिवचरण गुप्ता, उमेश यादव, कासिम मेवाती, गिरीश डाटा ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के पश्चात ब्लॉक अध्यक्ष बीपी सुमन ने सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का आभार किया। कार्यक्रम का मंच संचालक राजेंद्र सिंगल ने किया। सभा में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर एक एक दावेदार ने आकर विधायक व प्रभारी को अपना बायोडाटा सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस की महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे।